बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 121वीं जयंती समारोह टाउन हॉल रतनगढ़ में मनाई गई। कार्यक्रम का शुभारंभ भव्य रैली से प्रातः 9 बजे प्रकाश पाठशाला से रामचंद्र पार्क होते हुए घंटाघर अशोक स्तंभ से टाउन हॉल पहुंची। रैली को पूर्व विधायक हाजी मकबूल मंडेलिया, विधायक अभिनेश मैरी से पूर्व प्रधान संतोष तालन यानी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली बहुत ही शानदार आकर्षण का केंद्र बनी रही। रैली के अंदर कच्ची घोड़े, डीजे, बैंड बाजा, घुड़सवार आकर्षक झांकियां थी। बाजार में सभी प्रभु समाज के प्रभु जनों ने रैली का जगह जगह स्वागत किया। बाजार में कई जगह स्वागत द्वार बनाए गए। रैली के अंदर जूस, पानी, मिठाई, चॉकलेट, बिस्किट वितरित किए गए। टाउन हॉल नगर पालिका रतनगढ़ में कार्यक्रम 11 बजे शुरू हुआ। कार्यक्रम के अध्यक्षता संतोष तालनिया पूर्व प्रधान मुख्य अतिथि, हाजी मकबूल मंडेलिया पूर्व विधायक चूरू विशिष्ट अतिथि, अभिनेश महरिषि विधायक रतनगढ़, चयनिका उनियाल, भवनलाल पुजारी, इंदिराज पितर, पुसाराम गोदारा पूर्व मंत्री राजकुमार रेणुआ, पीसीसी सदस्य रमेश इंदौरिया, हेमंत सारस्वत, बीडीओ दिलीप कुमार, एसडीएम विजेंद्र सिंह, डीएसपी हिमांशु, मोहम्मद अनवर कुरैसी, भागीरथ सिंह घुमादा, कर्नल केसरी सिंह राठौड़, डॉक्टर यशपाल सिंह, अर्जुन सिंह प्रासा, संतोष बाबू इंदौरिया, मंचा सिंह थे। कार्यक्रम में पहुंचे सभी अतिथियों का डॉक्टर अंबेडकर जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष श्रवण कुमार सोटा, वीरेंद्र कुमार बोनकर, संयोजक वेद प्रकाश पंवार, सह संयोजक जाबरमल कुसुम, उपाध्यक्ष क्षेत्रमल गाड़गिल, सह सचिव गुलाब चंद सांसी, दौलतराम दाइमा, सह सचिव गुलाब चंद सांसी, मंगतुरा मंडेवाल, अशोक आलड़िया, संदीप धानिया, ललिता सुंडा, अरुण जावा, मीना बारूपाल सुभाष ने सभी अतिथियों का पंचशील मोमेंटो देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर देवकरण गुराबा, डॉक्टर सीताराम कावलिया, फकीरचंद दानोलिया, भवनलाल जसेल, महावीर मंडार, लालचंद पवार, हनुमानाराम छाबड़ी, अनिल जसेल, राकेश नायक, संदीप दानिया, जेपी भाटी, दयाशंकर, अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में मोहम्मद अनवर कुरैसी, कर्नल केसरी सिंह राठौड़, दिलीप कुमार, वीडियो ने बाबा साहब के जीवन संघर्ष और उनकी गतिविधियों के बारे में विस्तृत बताया। हाजी मकबूल मंडेलिया पूर्व विधायक ने कहा कि एस सी एस टी के लोगों को हर समय साथ लेकर चलने के लिए तैयार है। विधायक अभिनेश महरिषि ने सर्व समाज के लोगों को आश्वस्त करते हुए कहा कि वाजिद काम के लिए हमेशा एस सी एस टी वर्ग के साथ रहूंगा। सभी वक्ताओं और मंचासीन अतिथियों ने बाबा साहब और संविधान को अंगीकार करने के लिए कहा। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही पूर्व प्रधान संतोष तालनिया ने कहा कि संविधान केवल दस्तावेज नहीं है बल्कि जीवन जीने का एक माध्यम है। चयनिका उनियाल ने महिला शिक्षा के बारे में बताते हुए कहा कि बाबा साहब ने महिलाओं को बराबर हिस्सेदारी दी है और संविधान में महिलाओं को बराबर का अधिकार प्रदान है। कार्यक्रम का सफल संचालन अजा के अध्यक्ष अशोक कुमार आलड़िया ने किया। अम्बेडकर जयंती समारोह समिति के अध्यक्ष श्रवण कुमार जी सोडा, आज का जो कार्यक्रम रहा वो कैसा रहा? आज का जो कार्यक्रम रहा ये बहुत ही अच्छा रहा और उससे पहले नगरपालिका प्रशासन द्वारा जो 75 साल से हम इंतजार कर रहे थे कि बाबा साहब की मूर्ति है सार्वजनिक स्थल पर लगे, तो नगरपालिका प्रशासन द्वारा ये जो मूर्ति की जो स्थापना की है वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। मैं भी नगर पालिका में पार्षद रहा हूँ लेकिन यहाँ कई मंत्री कई एमएलए रह चुके हैं लेकिन इधर उधर से किनारा कर जाते हैं, लगा देंगे लेकिन इन चेयरमैन साहब ने, हाजी जी मंडेलिया जी ने अपनी मतलब कार ठोककर और ये जो मूर्ति की स्थापना की है वो बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र है। प्रोग्राम अच्छा रहा और सभी लोगों ने प्रशंसनीय कार्य देखा और हम अम्बेडकरवादी है, हम किसी से उलझना नहीं चाहते हैं और जो हमसे उलझने की कोई चेष्टा करेगा तो अपने खामियाजी की तरफ सावधान रहना भाई। हम कभी कभी देखते हैं कि अमूमन मूर्ति पर काली पोती हो गई तो हम बख्शेंगे नहीं भाई, अपनी सावधान रखना भाई। जैसे हम आपके देवता को देवता मानते हैं उसी प्रकार बाबा साहब को राष्ट्रीय जो संविधान निर्माता आप देवता माने, हमारा समाज आगे बढ़ेगा, राष्ट्र मजबूत होगा और बाबा साहब ने जो संविधान बनाया उनको बनाने में 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन लगे। उनके अथक प्रयासों से बाबा साहब ने जो ये संविधान हमें देश को समर्पित किया है और इसका हमारा रखने समान रखने का हमें सभी को अधिकार है। प्रत्येक भारतीय नागरिक को औजार राष्ट्रपति बैठता हो चाहे प्रधानमंत्री बैठता हो और हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक तिरंगा झंडा हो उसमें बाबा साहब का जो ये जो चक्र जो हमेशा प्रगति से चलता रहे तो इसी प्रकार हमारा राष्ट्र की उन्नति हमेशा चलती रहे, इसी आशा के साथ में जय भीम। बाबा साहब की 121वीं जयंती पर समस्त देशवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे साथ हैं अम्बेडकर जयंती समारोह समिति के संयोजक वेद प्रकाश जी पवार। आज का कार्यक्रम कैसा रहा? बहुत ही बढ़िया रहा। ऐतिहासिक रैली निकाली गई प्रकाश पाठशाला से लेकर मुख्य मार्गों से होते हुए सिनेमा ये घंटाघर से होते हुए अशोक स्तंभ से होते हुए
मुख्य मार्गों से होते हुए टाउन हॉल में आम सभा हुई और सभी ने यही संदेश दिया कि बाबा साहब के मार्गदर्शन पे अपने को चलना है और मार्गदर्शन के साथ साथ उनके जीवनी को अपनाना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद वेद प्रकाश जी। और रतनगढ़ में क्या कार्यक्रम आयोजित हुए? हमारे यहाँ 45 वर्ष से जो मूर्ति की के लिए स्थान की मांग कर रहे थे सर्व समाज, वो आज मूर्ति की माला अर्पण किया गया है और इसका कार्यक्रम बाद में हमारे माननीय चेयरमैन साहब कार्यक्रम को करेंगे। आज 45 वर्षों के बाद रतनगढ़ में पहली बार मार्केट में जब देखा जाए तो आज पहली बार बाबा साहब का स्टैचू आपको देखने को मिलेगा। बाबा साहब का भव्य जो प्रतिमा है यहाँ स्थापित की गई है। संविधान निर्माता बाबा साहब की 121वीं जयंती पर आपका क्या संदेश है? सबसे पहले मैं यहाँ जो डॉक्टर अम्बेडकर सेवा समिति रतनगढ़ है उनका धन्यवाद देना चाहूँगा। शानदार प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया। ये 31वीं जो जयंती है, ये जयंती बेसिकली आज जो युवा है हमारे, आज 47% भारत की जनसंख्या में युवा है, उन युवाओं के लिए एक संदेश है। सबसे पहला संदेश है शिक्षा, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर जो भी ज़िंदगी में प्राप्त कर पाए या लोगों को शिक्षा दे पाए, जो लोगों को समझा पाए या वो संविधान के रचयिता तक पहुँचे, वो अपनी शिक्षा पे अपनी मेहनत के बल पर पहुँचे। आज हम हमारे युवा लोगों से अपेक्षा करते हैं कि कोई हमें कुछ दे देगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने वो ये है कि पहले सबल बनो, समर्थ बनो, शिक्षित बनो और उसके बाद सबको साथ लेकर चलो, ये कहना चाहूँगा। समस्त देशवासियों को क्या संदेश दोगे आज के दिन? समस्त देशवासियों के हिसाब से तो मैं बहुत गौण व्यक्ति हूँ, मगर मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि जब हम बाबा साहब अम्बेडकर की जीवनी को पढ़ते हैं तो बाबा साहब की अम्बेडकर की जीवनी के हर पन्ने पर हमें संघर्ष, मेहनत और अपने लोगों के प्रति समर्पण मिलता है। अगर ये तीन चीज़ें आज हम अपने धर्म की तरह अपना लें, बाकी धर्म से हटकर, बाकी चीज़ों से हटकर, अगर इसे शायद हम अपना मौलिक धर्म या मौलिक कर्तव्य मानें तो देश की दशा दिशा एक नए डायरेक्शन में चली जाए।